अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, आज के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव का जो टॉपिक है उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पर जो वेव नज़र आ रही है वो एक अर्जी लहर है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस अर्जी लहर के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये फराज है यानी क्रेस्ट, और उसके बाद ये नशेब है यानी ट्रफ। और ये जो वेव है तो इस वेव के अंदर फराज और नशेब एक के बाद एक अल्टरनेट जो है वो एक के बाद एक रिपीट होते जाते हैं। अब यहाँ हमको कुछ टर्म्स जो है वो पढ़ना है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पूछा भी था कि आप इनकी स्टडी करके रखो। तो आइए अब वो तमाम टर्म्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोग्रेसिव वेव या तरक्की पसीर लहर से रिलेटेड जो हो सकती हैं उनकी हम आज स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस फिगर में ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो बीच में जो लाइन नज़र आ रही है ग्रीन कलर की जो लाइन है, तो ये एक वास्ते में या हवा में बनाई गई, नहीं आप मिसाल के तौर पर आप हवा इमेजिन करो के हवा में या किसी वास्ते के अंदर ये एक लाइन बनी हुई है, और ये वास्ते के ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है। मतलब इसके ऊपर यहाँ पर वास्ते के ऐसे पार्टिकल्स हैं पूरे, जौहर सालमात आप कुछ भी बोल सकते, ज़र्रात आप बोल सकते हैं उनको। इनमें से कुछ ज़र्रात जो हैं, कुछ ख़ास ज़र्रात जो है, मैं उनके कुछ यहाँ पर नाम रख सकता हूँ। जैसे ये पहला जो पॉइंट है तो हम इसका नाम ए रख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है बी, इसके बाद ये वाला पॉइंट सी, इसके बाद ये डी एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आप ले सकते हो। इनके अलावा भी यहाँ पे बीच में इनफाइनाइट ज़रात है, अलग अलग टाइप के ज़रात जो है वो उनका, यानी यहाँ के जो ज़रात है ए और बी के बीच में, इनका वाइब्रेशन ऊपर की जानब है, बी और सी के दरमियान जो है उनका वाइब्रेशन नीचे है, सी और डी के दरमियान जो लोग हैं वो उनका वाइब्रेशन ऊपर की जानब है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मतलब ये डेरिवेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वेव को हम किसी इक्वेशन के ज़रिए, किसी मसावत के ज़रिए कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो उसका एक आसान तरीका ये होगा कि हम यहाँ ये तसव्वुर करें कि पॉइंट ए जो है ये ओरिजिन है, ये जो ग्रीन लाइन है तो ये हमारा एक्स महवर है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम ऐसा उमूदी अंदाज में एक खड़ी जो है वो वाई एक्सिस को इमेजिन करेंगे। मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस बन गई, और इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर इस जगह पर इमेजिन करेंगे एक ऐसी खड़ी उमूदी एक लाइन अगर है तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस लहर के दौरान यानी इस लहरी हरकत के दौरान जितने भी ज़र्रात हैं वो सब ऐसे उमूदन मतलब वाई एक्सिस से, वाई महवर से मुतवाजी हालत में वो लोग वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। आप देखो इसमें सबसे पहले अगर मान लो मैं यहाँ कोई एक ज़र्रा लेता हूँ, और ये ज़र्रा अगर मुझे इसका वाइब्रेशन बताना है तो इसका वाइब्रेशन ये इस तरह से ऊपर तक जाएगा, यहाँ अगर मैं कोई ज़र्रा लेता हूँ उसका वाइब्रेशन यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहली जो टर्म हमको आज देखना है वो है कि हैता क्या होता है, हैता यानी एम्पलीट्यूड। ओके, सबसे पहले आप लोग इस टर्म पर गौर करो, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो ज़र्रा है यहाँ पर है आम हालत में, जब उसको तवानाई मिली तो वो यहाँ से निकल कर यहाँ तक चला गया, ये उसका इंतहाई मकाम है, फिर वो यहाँ से पलट कर वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस तरह से वो ऐसे जिम करता रहेगा ऊपर नीचे, क्योंकि वो औसत मकाम से निकल कर ये इंतहाई मकाम तक पहुँचा है। इसको हम लोग कहेंगे लहर का हैता। ये तारीफ बिल्कुल वैसी है जैसे हमने SHM में हैता पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि लहरी हरकत के दौरान औसत मकाम और इंतहाई मकाम के दरमियान जो फासला होता है उसे लहर का हैता कहते हैं, और उसको हम लोग ए से जाहिर करेंगे। अब जाहिर है अगर ये हैता यहाँ पर ए है तो वो हैता यहाँ भी ए होगा, वो हैता यहाँ भी ए होगा, इधर हम लेंगे तो इधर भी उसकी कीमत ए होगी। मतलब शुरू से लेकर एंड तक उधर जहाँ तक भी ये वेव है वहां तक ये हैता कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव यानी तरक्की पजीर लहर। तो तरक्की पजीर लहर का मतलब होता है ऐसी लहर जिसका हैता मुस्तकिल हो, और हैता क्या चीज है वो मुझे यकीन है कि अब आपको समझ में आ गया होगा।
हैता की तारीफ है, औसत मकाम और इंतहाई मकाम के दरमियान का फासला। किसका औसत मकाम? तो वास्ते के जर्रात का, और कौन सी हरकत के दौरान? लहरी हरकत के दौरान। तो इस तरीके से हम यहां पर बात करें, तारीफ इस तरह से हो जाएगी कि लहरी हरकत के दौरान औसत मकाम और इंतहाई मकाम के दरमियान का जो फासला होता है उसे हैता कहते हैं, यानी उसको एम्पलीट्यूड या हैता कहेंगे, और उसकी अलामत ए है। ओके, अब हम लोग अगली टर्म के बारे में यहां पर बात करते हैं। पहले अगली जो टर्म, जो बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा मतलब आपको एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हैयत। अब सवाल ये आता है कि हैयत, या फिर इंग्लिश में इसे कहेंगे फेज, तो ये हैयत या फेज क्या होता है? ओके, आप लोग याद रखो, हैयत या फेज का मतलब होता है हरकत की हालत। अगर आप सिर्फ ये तीन अल्फाज पे गौर करेंगे तो ये कंप्लीट उसकी डेफिनेशन है। फेज या हैयत का मतलब होता है कि जब कोई लहर आगे बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी, तब उसके जो जर्रात हैं उन जर्रात की हरकत की जो हालत है उसे हम हैयत कहते हैं, यानी स्टेट ऑफ मोशन। जाहिर है यहां पर जर्रात जो है वो वाइब्रेशन में है, वो इर्तियाश में है, इसलिए आप इसको स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हो, यानी इर्तियाश की हालत। तो जर्रात की इर्तियाश की जो हालत होगी उसे हम हैयत कहेंगे। अब ये हैयत के लिए फॉर्मूला क्या होगा, या इसको हम लोग कौन से मतलब अलामतों वगैरह में हम उसको कैसे जाहिर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले SHM में हटाव का फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हम लोगों ने ऑसिलेशन में ये फॉर्मूला देखा था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर आप एक चीज पर गौर करो कि ये जो इक्वेशन हमने यहां जो लिखे, इसमें एक्स का मतलब है हटाओ, औसत मकाम से फासला, ए यानी हैता, ओमेगा जागी रफ्तार है, और फाइव जो है वो फेज कांस्टेंट है। तो यहां पर जब हम लोगों ने ये मसावत जो अखज किए थे उस वक्त हम लोग ये वाली फिगर इमेजिन करते, ये फिगर हम इस्तेमाल करते थे, यहां पर औसत मकाम, ये इंतहाई मकाम, ये दूसरा इंतहाई मकाम, और वो जरा जो है वो जरा यहां पर ऐसे हरकत करता था। मान लो जरा अगर यहां पर है वो पार्टिकल, तो हम लोग ये वाला फासला एक्स लेते थे। अब आप थोड़ा सा यहां पर गौर करो कि ये जो फासला है, ये फासला हमने उफकी अंदाज में यहां पर लिया ऐसे, या फिर वो जरा इधर जाता है तो हम इधर भी लेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम इमेजिन ये करते थे कि ये आड़ी लाइन जो है तो ये हमारा एक्स महवर है, और ये जो खड़ी लाइन है ये हमारा वाई महवर है। इसका मतलब यहां पर, यानी पिछले चैप्टर में ऑसिलेशन के अंदर, जर्रा जो था वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स महवर के साथ में वो वाइब्रेशन करता था, और इसीलिए उसकी मसावात में यहां पर एक्स आया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा जो जर्रा है वो तमाम, ये एक जर्रा नहीं बल्कि तमाम जर्रा जो है वो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, और ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब वाई महवर में वाइब्रेट हो रहे हैं, और अगर वो वाई महवर के अंदर, यानी वाई एक्सिस के साथ में, या वाई एक्सिस के मुतवाजी अगर वो वाइब्रेशन में है, तो यहां पर हम एक्स नहीं लेंगे बल्कि हम एक्स की जगह पर यहां पर लेंगे वाई, क्योंकि जो हमारा जो वायर जो इर्तियाश होगा वो अब वाय महवर के अलोंग होगा, यानी वाय महवर से मुतवाजी होगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इस इक्वेशन पर से और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये वाली जो टर्म है इसको हम लोगों ने हैयत कहा था, और उसको थीटा से जाहिर किए थे, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक जावियाई क्वांटिटी है, मतलब जावियाई मिकदार है, जिसको एंगुलर क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये SHM की हैयत है। अब ये जो जावियाई जो मिकदार है ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको हम लोगों ने हैयत कहा था। ओके, और ये वहां पर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या स्टेट ऑफ मोशन को जाहिर करती थी। तो यही चीज यहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप लोग गौर करो, यहां पर ये जर्रे को अगर हम देखेंगे, ये जर्रे का वाइब्रेशन ऐसे है, ये वाले जर्रे का वाइब्रेशन इधर है, ये जरा ऊपर वाइब्रेट हुआ, ये यहां का जरा ऊपर, यहां का जरा इस जगह पर, यहां का जरा ऐसे। आप गौर करेंगे ये तमाम जर्रात ऊपर वाइब्रेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की जो हैयत है वो तकरीबन एक जैसी है,
तकरीबन इसलिए क्योंकि वो सब लोग एक ही स्टाइल में वाइब्रेशन में है। हालांकि ये सबके सब एक साथ एक जैसी हैयत में नहीं है, यहाँ पर हर जर्रे की हैयत बाजू वाले जर्रे की हैयत से मुख्तलिफ होगी। ओके, यानी हम ये बोलेंगे कि ये जो ए है इसकी हैयत इससे अलग है, इससे इसकी हैयत अलग रहेगी, इससे इसकी हैयत अलग रहेगी। कहने का मतलब हर जर्रे की हैयत अलग रहेगी, लेकिन ए से लेकर बी के दरमियान तमाम जर्रात की जो हैयत है वो पॉजिटिव है, वो ऊपर की सिमत में है। ओके, तो ये हमारा पहला मतलब पहला आइडिया यहाँ पर हो गया कि किस तरीके से हम लोग हैयत का एक कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ पर गौर करेंगे कि ये जो फाय है यानी हैयत का मुस्तकिल, इसकी वैल्यूज़ हम आमतौर पर क्या लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर स्टार्ट में मतलब जब हरकत शुरू होती है उस वक्त अगर ज़र्रा औसत मकाम पर हो तो जो फाय जो है उसकी कीमत हम लोग ज़ीरो लेते हैं। ओके, और अगर मान लो स्टार्ट में ज़र्रा जो है वो इंतहाई मकाम पर हो तो हम लोग फाई की जो कीमत है वो पाई बाय टू लेते हैं, 90 डिग्री। ओके, जीरो के अलावा हम लोग 2 पाई भी ले सकते हैं और पाई बाय टू के अलावा हम 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल पहले ऑसिलेशन के दौरान हम ये दो वैल्यूज कंसीडर करेंगे। अब आप लोग गौर कीजिए कि जब हमने तवानाई नहीं दिए थे, जिस वक्त हमने तवानाई नहीं दिए थे उस वक्त ये तमाम जर्रात जो है वो इस लाइन पर बैठे हुए थे, उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं था, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस कोई खलल नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम जरात इब्तदा में औसत मकाम पर थे। ये जो ग्रीन लाइन है ये औसत मकाम को जाहिर कर रही है तमाम जरात के लिए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर फाय बराबर जीरो लेना पड़ेगा। तो अगर हमने फाय बराबर जीरो लिया तो ये इक्वेशन और भी ज्यादा सिंपल हो जाती। फाय की जगह पे जीरो लेंगे मतलब ये यहां से ये जो टर्म है प्लस फाय ये गायब हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ओके, तो ये हमारी हैयत का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट ए है इसकी हैयत फाय वन है, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला जरा लेता हूँ और इसकी हैयत फाय टू ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि इन दो के दरमियान हैयत का फर्क क्या होगा। ओके, आइए हम देखते हैं पहले कैलकुलेट करके कि इन दो नुक्तों के दरमियान हैयत एक जैसी होगी या एक जैसी नहीं होगी। तो वो तो मैंने अभी आपको बताया कि हर जर्रे की हैयत अलग होती है, बराबर है, जैसा कि हमको नजर आ रहा है कि हर जर्रा अलग हालत में जो है वो इर्तियाश कर रहा है, मतलब उसकी हालत अलग है उसकी हैयत अलग है। तो फिर ए और बी जो है वो भी एक जैसी हैयत में नहीं होंगे बल्कि उनके दरमियान हैयत का डिफरेंस होगा। तो आइए हम पहले गौर करते हैं कि वो दोनों के दरमियान हैयत का फर्क क्या होगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि फाय वन जो है इस जगह पर टाइम की वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब ये लहर यहां से आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लहर आगे बढ़ती जाएगी ये टाइम बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज पे ध्यान रखो कि जब ये जर्रा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक जाएगा तब हम ये मानेंगे कि यहाँ पर एक लहर पूरी हो गई है, और जाहिर है एक लहर को लगने वाला जो टाइम है वो टाइम पीरियड होगा। मतलब ये कि जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो कैपिटल टी हो जाएगी। ओके, ये समझ में आया सब लोगों को? आप याद रखो हर चीज का वक्त दौरान होता है, तो लहरी हरकत का भी वक्त दौरान होगा। इसका मतलब लहरी हरकत का वक्त दौरान क्या होगा, जिसमें एक लहर पूरी हो जाए। यहां पर ये आधी लहर है और ये बची हुई आधी लहर, तो ये कंप्लीट एक वेव यहां पर हुई ए से लेके सी के दरमियान। तो इस तरीके से यहां पर टी बराबर कैपिटल टी होगा, तो यहां पर हम लोग टी बराबर टी बाय टू ले सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान का वक्त होगा बराबर। ओके, अब हम हैयत की बात करते हैं। ओके, पॉइंट ए पर अगर मैं हैयत को कैलकुलेट करूं तो आएगा फाय वन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, जाहिर है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू जीरो, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। और जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर फाय वन बराबर जीरो आ गया। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि हमारा जो पहला पॉइंट है ए, जो कि मंबा भी है जो कि सोर्स है, उसी ने इस लहर को पैदा किया हुआ है। ये जो प्रोग्रेसिव वेव है उसको पैदा इसी यानी इसी मकाम पर वो पैदा हुई है, तो ये उसका सोर्स है। तो
तो जहां पे सोर्स है वहां पर हैयत का जो फर्क, हैयत की जो कीमत है वो जीरो है। ओके, अब आप लोग यहां पर हैयत कैलकुलेट करो, इस जगह पर हैयत की कीमत आ जाएगी ओमेगा, इस जगह पर हैयत की जो कीमत होगी वो होगी फाई टू इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, अब आप इसमें ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू आएगी टी बाय टू। जाहिर है ये 2 से 2 कैंसल, टी से टी कैंसल, तो यहां पर क्या आया पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस मकाम पर यानी पॉइंट बी पर हैयत की जो कीमत है वो आ गई पाई। तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि यहां से लेकर यहां तक अगर यहां हैयत जीरो है, इस जगह पर अगर हैयत जीरो है तो इस जगह पर हैयत की कीमत पाई होगी। ओके, जाहिर है इन दो नुकात के दरमियान हैयत का जो फर्क है वो हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई माइनस जीरो यानी पाई। ओके, तो क्या चीज समझ में आई? एक सिंपल सी बात समझ में आई जो एग्जाम में आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, वो ये है कि प्रोग्रेसिव वेव के दौरान यानी तरक्की पजीर लहर के दौरान एक जो आधा जो फराज जो होता है, फराज जो होता है आधी लहर का हिस्सा जो है फराज, तो फराज के जो दो इंतहाई नुकात है उनके दरमियान हैयत का फर्क पाए है। ओके, तो ये पहली चीज हमने यहां देख ली है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, मान लो कि इस जगह पर जो हैयत है वो फाई थ्री है। ओके, पॉइंट सी की हैयत, तो अगर मैं पॉइंट सी की जो हैयत है उसको अगर फाई थ्री नोट करता हूं तो उसकी कीमत अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। जाहिर है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू यहां पर कैपिटल टी है, तो टी से टी कट जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी पर हैयत पाई मिली थी लेकिन पॉइंट सी पर हैयत की कीमत मिली 2 पाई। ओके, तो अब आप गौर करो कि अगर अगर मैं ये हैयत की अलग अलग जो कीमतें हैं मैं इनको यहाँ डाउन में नीचे लिख देता हूं, तो आप लोग गौर करो क्या हो रहा है इसके अंदर। इस जगह पर हैयत जीरो, इस जगह पर हैयत पाए, इस जगह पर हैयत यानी ये वाले पॉइंट के लिए हैयत की कीमत 2 पाए। अगर हम इस रवानी को बरकरार रखें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ हैयत की कीमत 3 पाए होगी, क्योंकि हर दो अल्टरनेट जो ये जो दो नुकात हैं मतलब ए और बी जो कि फराज के इंतहाई नुकात है इनके दरमियान हैयत का फर्क पाए है। ये जो बी और सी है जो कि इस नशेब के दो इंतहाई नुकात है इनके दरमियान हैयत का फर्क पाए है, सी और डी के दरमियान हैयत का फर्क जो है वो पाए है। तो जीरो में पाए ऐड करें तो ये पाए, पाए में पाए ऐड करें तो 2 पाए, 2 पाए में पाए ऐड करें तो 3 पाए, मतलब यहाँ पे ये 3 पाए, और हम कंटिन्यू करें तो पाए जो है वो हर मरतबा ऐड होते जाएगा। तो एक फराज हो या एक नशेब हो उसके दो इंतहाई नुकात के दरमियान हैयत का फर्क पाए होता है, ये चीज हमने साबित कर दिए। ओके, अब हम और एक चीज पे गौर करेंगे। आप लोग गौर करो कि ए से बी के दरमियान तमाम जर्रात की हैयत पॉजिटिव है, मतलब वो ऊपर जा रहे हैं, उनका जो इर्तियाश है वो पॉजिटिव है। जब हम बी और सी के दरमियान गौर करेंगे यहां हमको नजर आएगा कि तमाम जर्रात का वाइब्रेशन ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है नीचे की सिमट में निगेटिव डायरेक्शन के अंदर, मतलब सारे के सारे जर्रात ऐसे नीचे जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पॉइंट सी से आगे सोचेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो गए, फिर एक जैसे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट सी एक जैसे नुकते हैं। ओके, कैसे एक जैसे नुकते हैं? पॉइंट ए के आगे के तमाम जर्रात पॉजिटिव अंदाज में यानी ऊपर वाइब्रेट हो रहे हैं, पॉइंट सी के आगे के तमाम जर्रात ऊपर वाइब्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है वो एक जैसे नुकते हैं, या उनका वाइब्रेशन एक जैसा है, या उनकी हैयत एक जैसी है। तो इनके दरमियान अगर मैं हैयत का फर्क निकालता हूं तो यहां हैयत की कीमत जीरो, यहां हैयत की कीमत 2 पाए, मतलब दोनों के दरमियान हैयत का फर्क 2 पाए होगा। तो यहां पर एक खास चीज ये नजर आई कि फेज डिफरेंस, अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस निकालता हूं काय में बिटवीन ए एंड सी, वो कीमत मुझे मिलेगी 2 पाए। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पर आते हैं। ऐसा ये जो फासला होता है यानी नुक्ता ए और सी के दरमियान का, ये जो दोनों एक जैसी हैयत वाले लोग हैं यानी इसकी भी हैयत जीरो है और इसकी हैयत 2 पाए, का मतलब ये जीरो ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक जैसी हैयत वाले हैं, तो एक जैसी हैयत वाले दो नुकात के दरमियान जो फासला होता है उसे हम लोग तूले मौज मतलब वेवलेंथ कहते हैं, और उसकी जो अलामत है वो होती है लैम्डा, उसको हम लैम्डा अलामत से जाहिर करेंगे। और ये वेव मोशन में मतलब
कोई भी लहर की हरकत में ये सबसे अहम टर्म होती है। ओके, तो तूले मौज या वेवलेंथ, यानी यहां पर ये जो वेवलेंथ है इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में, इसका नाम रहेगा वेवलेंथ। ओके, और अलामत है लैम्डा। तो वेवलेंथ का मतलब रहेगा लहरी हरकत के दौरान, यानी जब भी कोई लहर आगे बढ़ेगी तो लहरी हरकत के दौरान दो ऐसे नुकात के दरमियान का फासला जो बिल्कुल एक जैसी हैयत में हो। ओके, जो बिल्कुल एक जैसी हैयत में हो उनके उनको हम लोग उस फासले को हम कहेंगे तूले मौज। तो एक बार आप तारीफ अच्छे से नोट कर लो, उसकी तारीफ होगी लहरी हरकत के दौरान एक जैसी हैयत वाले दो लगातार नुकात के दरमियान का जो फासला होता है उसे तूले मौज कहते हैं। ओके, इसके बाद हम इसकी तारीफ को थोड़ा सा और टेक्निकल बना सकते हैं, हम ये फेज डिफरेंस के रूप में, मतलब हैयत के फर्क के रूप में भी हम तूले मौज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे आप और करो, देखो बहुत ही आसान सी तारीफ होगी उसकी वाली भी। हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि तूले मौज जो है, यहां पर मैं उसको इस जगह पर बताने की कोशिश कर देता हूं, यहां से लेकर मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी, ये तूले मौज है। ओके, अब इसके लिए जो हैयत का फर्क हमको मिला, इसका हैयत 0 था, इसका हैयत 2 पाई, इसका मतलब इसके लिए जो हैयत का फर्क हमको मिला वो मिला 2 पाई। तो अब मैं इस चीज को बुनियाद बनाकर यहाँ पे तारीफ कर सकता हूं। दूसरी तारीफ तूले मौज की इस तरह से हो जाएगी कि लहरी हरकत के दौरान दो नुकात के दरमियान का फासला तूले मौज कहलाता है अगर उन दो नुकात के दरमियान हैयत का फर्क 2 पाई रेडियन हो। एक बार फिर आप सुनो और इसको नोट करो बराबर, लहरी हरकत के दौरान दो नुकात के दरमियान फासला तूले मौज कहलाता है अगर उन दो नुकात के दरमियान हैयत का फर्क 2 पाई रेडियन के बराबर हो। ओके, तो ये तूले मौज की सबसे ज्यादा टेक्निकल या सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। ओके, तो ये हो गया तूले मौज के ताल्लुक से, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा। ओके, अब हम यहां पर और एक टर्म की तरफ चलते हैं। अगली टर्म जो बहुत ज्यादा अहम है वो है तवातिर या तादुद, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो तवातिर यानी इंग्लिश में वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी या तवातिर क्या चीज होती है। तो देखो बहुत आसान सी चीज है ये भी। यहां पर आप सबसे पहले एक चीज पर गौर करना कि ए से लेकर बी तक आधी लहर है, बी से लेकर सी तक एक कंप्लीट लहर तैयार हो गई। ओके, ये एक मौज है, इसको हम इंग्लिश में वेवलेट बोल सकते हैं या सिर्फ वेव भी कहा जा सकता है, लहर भी बोल सकते हो आप लोग या मौज भी बोल सकते हो। ओके, तो ए से लेके सी तक एक लहर या एक मौज कंप्लीट हो गई। इसके बाद सी से लेकर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल जाहिर है जहां पर अगला फराज शुरू होगा वहां पर दूसरी मौज कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक के बाद एक ऐसी मौजें बनती जाएगी लहर में। तो यहां हम एक चीज पर गौर करना है वो ये है, हम यहां पर वक्त को 1 सेकंड पर रोक देंगे, यानी हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड वक्त में कितनी लहरें या कितनी मौजें तैयार होती हैं। हम वो नंबर को गिनेंगे और वो जो नंबर हमको मिलेगा हम उस नंबर को बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो तवातिर है। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर अगर ये सिर्फ एक नंबर है, मौजों की तादाद है, तो हम उसकी तारीफ बहुत आसानी के साथ कर सकते। उसकी तारीफ कुछ इस तरह से होगी, लहरी हरकत के दौरान 1 सेकंड वक्त में, मतलब इकाई वक्त में जितनी भी मौजें तैयार होती हैं, जितनी भी मौजें या जितनी भी लहरें तैयार होती हैं उनकी तादाद को तवातिर या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको हम लोग एन की अलामत से जाहिर कर सकते हैं। एन के अलावा हम उसको एफ भी लिख सकते हैं, और एफ के अलावा हम लोग उसको न्यू से भी जाहिर कर सकते हैं। ये जो अलामत है ग्रीक लैंग्वेज में ये न्यू कहलाता है और हम इससे भी उसको जाहिर करते हैं। तो इस तरह से तवातिर के लिए हमारे पास तीन अलग अलग टर्म्स या तीन अलग अलग अलामतें जो है वो हो गई। तो ये हो गई तवातिर की तारीफ। अब यहाँ पर एक चीज जिसको मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था वक्त के दौरान, मैं अभी दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि इस लहर का वक्त के दौरान भी हो सकता है। जाहिर है इसका जो वक्त के दौरान होगा कैपिटल टी, वक्त के दौरान का मतलब होगा वो टाइम जिसमें एक मौज तैयार होती है, यानी यहाँ मौजों की तादाद नहीं लेंगे बल्कि मौजों की तादाद को एक ले लेंगे, यानी एक मौज।
तो ऐसा वक्त जिसमें एक वेव, एक लहर, एक मौज तैयार होती है, उसे वक्त के दौरान कहते हैं। ओके, और जाहिर है आपको पता है सब लोगों को कि तातीर और वक्त के दौरान हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1/t या फिर कैपिटल T इज इक्वल टू 1/n, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के जरवी माकूस होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक और टर्म यहाँ पर वक्त के दौरान की। ओके, अब हम एक और अगली टर्म की तरफ चलेंगे और वो टर्म होगी लहर की रफ्तार, यानी हम उसे लहरी रफ्तार कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, लहरी रफ्तार कोई अलग सी स्पेशल टाइप की रफ्तार नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये खती रफ्तार ही है। इसीलिए मैंने कल आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे जो होमवर्क में जो कहा था कि आप खती रफ्तार भी पढ़ो, तो अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। सबसे पहले हम लहरी रफ्तार को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग देखो, लहरी रफ्तार की अगर मैं तारीफ पर से अगर मैं उसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो आपको पता है खती रफ्तार जो है वो खती हटाव की तब्दीली की शरह होता है, होती है। खती हटाव यानी फासला, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखूंगा वो होगा फासला बटे वक्त। ओके, तो लहरी रफ्तार के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फासला बटे वक्त। ओके, अब एक काम करते हैं, मान लो लहरी रफ्तार को मैं यहाँ पर वी से जाहिर कर देता हूँ, तो वी इज इक्वल टू, अब अगर हमने फासला यहाँ पे ले लिए ए से लेकर सी तक का, यानी हम यहाँ पर ये इमेजिन कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक लहर या एक मौज की बात करते। ओके, एक वेव पल्स जो है हम उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए से लेकर सी तक की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ एक मौज की अगर हम बात करेंगे, तो फासला जो है वो हो जाएगा तूले मौज। ओके, यानी वी इज इक्वल टू फासले की जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, नुकात ए और सी के दरमियान का फासला, वो तूले मौज है। तो लैम्डा अपॉन वक्त का मतलब लेना पड़ेगा वक्त के दौरान, क्योंकि ए से लेकर सी तक एक लहर कंप्लीट हुई, और एक लहर को कंप्लीट होने के लिए या एक लहर को गुजरने के लिए जो वक्त होता है वो वक्त के दौरान होता है, इसलिए वक्त की जगह पर हम टी ले सकते हैं, कैपिटल टी, वक्त के दौरान। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब ये वाले फॉर्मूले को मैं तरतीब बदल कर ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/t इंटू लैम्डा, मैंने क्या किया, इस लैम्डा को थोड़ा सा आगे सरका दिया। ओके, अब आप गौर करो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात किए थे, 1/t, 1/t का मतलब होता है एन तवातिर, वक्त के दौरान का जो उल्टा है वो तवातिर होता है। इसका मतलब आप 1/t की जगह पर एन ले सकते हो, अगर आपने यहां पर एन ले लिया तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ओके, तो आप लोग देखो, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको यहां पर मिल गया, वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, मतलब लहर की जो रफ्तार है, लहरी रफ्तार जो होती है वो हमेशा तवातिर और तूले मौज का हासिले जरब होती है। तो लहरी रफ्तार की अगर आपको फॉर्मूले के तौर पे अगर बात करना हो, पहले मैं तारीफ के तौर पे हम बात कर लेते हैं, बहुत आसान सी तारीफ होगी, फॉर्मूले को देखकर आप उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। तारीफ क्या होगी कि लहरी रफ्तार हमेशा लहरी हरकत के दौरान फासले और वक्त का तनासुब होता है। ओके, लहरी हरकत के दौरान लहर के तयशुदा फासले और दरकार वक्त के तनासुब को लहरी रफ्तार कहते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि वक्त को अगर वन ले लिया जाए तो इकाई वक्त में जो फासला कवर होगा उसे भी लहरी रफ्तार कहा जाता है। ओके, आप जैसा चाहो वैसी इसकी तारीफ लिख सकते हैं। एक बार शायद अगर ज़्यादा तेज अगर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यानी थोड़ा स्लो में आपको ये तारीफ एक बार और बता देता हूँ। आप एक बार देखिए, लहरी रफ्तार की पहली तारीफ ये होगी, लहरी हरकत के दौरान तयशुदा फासले और दरकार वक्त का तनासुब मुस्तकिल होता है, जिसे लहरी रफ्तार कहते हैं। ओके, ये पहली तारीफ। दूसरी तारीफ ऐसी होगी, लहरी हरकत के दौरान इकाई वक्त में तयशुदा फासले को लहरी रफ्तार कहते हैं। अब ये फॉर्मूले को बेस बनाकर हमने ये देखा कि जब हम एक लहर की बात करेंगे तो फासला तूले मौज होगा, और एक लहर के लिए दरकार वक्त वक्त के दौरान होगा, तो मैंने फासले की जगह पर लैम्डा ले लिया और वक्त की जगह पर कैपिटल टी। अब हमने लैम्डा को उधर सरका दिए तो ये हो गया 1/t इंटू लैम्डा, लेकिन 1/t एन होता है, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, मतलब लहरी रफ्तार जो है
वो हमेशा तवातिर और तूले मौज इन दो लोगों के हासिले जरब के बराबर होती है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहां पर देख ली है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आप देखिए, हमको इस प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करना है, उसको हमको जाहिर करना है किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में या किसी मैथमेटिकल क्या बोलेंगे हम इक्वेशन के अंदर। ओके, यानी हम यहां पर एक मसावात बनाने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए इस प्रोग्रेसिव वेव को डिफा बताया जा सके, जाहिर किया जा सके। तो तरक्की पसीर लहर को अगर हमको दिखाना हो तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि मान लो मैं इन्हीं ये अलग अलग जो इतने सारे जो जरात हमको नजर आ रहे ए बी सी डी और इनके दरमियान और इनफाइनाइट जरात, इनमें से मैं किसी भी एक जगह पर एक पार्टिकल पी ले लेता हूँ। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं मान लो यहां पर इस जगह पर एक पॉइंट पी ले लेता हूं, तो इसका ये वाला जो वाइब्रेशन होगा, जाहिर है ये इस पर्टिकुलर टाइम में यहां तक वाइब्रेट होगा, ऐसे ऊपर जाएगा वाई महवर से मुतवाजी। ओके, तो ये वाला जो फासला है, जाहिर है ये कि वाई है, और अब मुझे उसको यहां से इसका एक फासला लेना पड़ेगा, इस इतना फासला। ओके, तो ये फासला मैं यहां तसव्वुर कर लेता हूं एक्स, इसको एक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक्स महवर के ऊपर ये फासला है, और इसको वाई में इसको वाई इसलिए लिए क्योंकि ये वाई में। ओके, तो अब आप देखिए, मैंने एक जनरल पॉइंट पी लिया हूँ, पॉइंट पी का वाइब्रेशन जो है वो ऊपर की सिमत में मतलब वाई महवर से मुतवाजी वाई है, और उसका ओरिजिन के साथ जो फासला है मतलब स्टार्ट से वो फासला एक्स है। ओके, तो अगर मैं पॉइंट पी के लिए मसावत बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे पहले तमाम जरात के लिए एक जनरल मसावत बनाना पड़ेगा। ओके, जनरल मसावात आ जाएगी, एक्स की जगह पर मुझे वाई लेना है, मतलब वो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो ऐसा वाई महवर की सिमत में है, इसलिए हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब आप एक चीज पे गौर करो कि यहां पर फाई जो है वो उन तमाम जर्रात के लिए जीरो होगा जो हमको औसत मकाम पे नजर आ रहे हैं। अब जाहिर है यहां पर हमको औसत मकाम पे नजर आने वाले जो जर्रात हैं वो है ए बी सी डी, ये सब लोग अभी फिलहाल हमको औसत मकाम पे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के लिए फाई की कीमत जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं फाई की कीमत इनके लिए जीरो लेता हूं तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो मतलब ओमेगा टी। ओके, ये हो गई पहली चीज। अब मुझे यहां पर और एक चीज पे गौर करना है कि मुझे जनरल इक्वेशन चाहिए मतलब आम जाप्ता, ये तो स्पेशल नुक्ते हो गए, ए बी सी डी जो है ये तो खास नुक्ते हो गए, मुझे आम नुक्ता लेना है, और वो आम नुक्ता मैंने पी लिया हूं। तो पॉइंट पी के लिए अगर मुझे हैयत का पॉइंट पी के लिए अगर मुझे इक्वेशन अगर लेना है तो मुझे उसका पहले हैयत का फर्क लेना पड़ेगा। आप लोग देखो, ये पॉइंट सी और पॉइंट पी जो है ये दोनों एक जैसी हैयत में नहीं हो सकते, एक जैसी हैयत में तो ए और सी हैं, सी और पी के दरमियान कुछ तो भी हैयत का फर्क होगा, तो मैं ये फर्क यहां पर फर्ज कर लेता हूं कि वो फर्क डेल्टा है, यानी हैयत का फर्क या फेज डिफरेंस जो है बिटवीन द पॉइंट सी एंड पी इज डेल्टा। तो हम एक काम करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी, और क्योंकि ये डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है, इसलिए मुझे यहां पे डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस यानी माइनस डेल्टा। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये डेल्टा की कीमत क्या लूंगा। तो बहुत आसानी के साथ हम ये डेल्टा को ले सकते हैं। आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि पॉइंट सी और पी के दरमियान हैयत का फर्क डेल्टा है, लेकिन पॉइंट सी और पॉइंट ए एक जैसी हैयत में है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट पी के दरमियान हैयत का जो फर्क है वो भी डेल्टा है। ओके, ये पूरा सिमेट्रिकल मामला होता है इक्वेशन के अंदर, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो डेल्टा है ये हैयत का फर्क है पॉइंट ए और पॉइंट पी के दरमियान। ओके, अब अगर अपने को इसकी कीमत अगर निकालना हो तो देखो, हम इसकी कीमत निकालने के लिए एक जनरल आइडिया इस्तेमाल करेंगे। देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि लैम्डा तूले मौज जो है वो एक ऐसा फासला होता है जिसके लिए हैयत का फर्क 2 पाई रेडियन होता है। ओके, यानी लैम्डा फासले के लिए हैयत का फर्क 2 पाई रेडियन है।
अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को आप लैम्डा से डिवाइड कर लो थोड़ी सी आसानी के लिए। तो हम इसको ऐसा समझते हैं, लैम्डा अपॉन लैम्डा के लिए भैया का फर्क हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओके। लेकिन लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लैम्डा अपॉन लैम्डा कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया 1। 1 का मतलब है एकाई। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल गई कि एकाई फासले के लिए हैयत का फर्क 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको जो फासला लेना है, एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ए और पी के दरमियान हमको लेना है, और ए और पी के दरमियान फासला जो है वो एक्स है। तो एक फासले के लिए मतलब एकाई फासले के लिए हैयत का फर्क 2 पाई अपॉन लैम्डा है, तो मुझे एक्स के लिए लेना है, इसलिए मैं दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ओके। तो अब आप लोग गौर करो कि एक्स फासले के लिए हैयत का फर्क 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स है, लेकिन एक्स फासले के ऊपर नुकता पी है, और नुकता पी के लिए हैयत का फर्क हमने डेल्टा फर्ज करे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा हमने फर्ज करे, ये खुद इसकी जो कीमत है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स के बराबर है, ओके। आप लोग एक बार फिर से गौर करो, देखो आपको जो स्क्रीन पे जो चीज नजर आ रही है वो ये है, मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग देखो लैम्डा जो है वो फासला है जिसके लिए हैयत का फर्क 2 पाई था, 2 पाई होता है। बाद में अगर दोनों साइड को लैम्डा से डिवाइड करें तो लैम्डा अपॉन लैम्डा यानी 1, तो एकाई फासले के लिए हैयत का फर्क आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, लेकिन हमको एक्स फासले के लिए होना, तो हमने दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो एक्स इंटू 1 यानी एक्स, और 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स यानी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। तो एक्स के लिए हैयत का फर्क यानी एक्स फासले के लिए हैयत का फर्क आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, लेकिन एक्स फासले के ऊपर नुकता पी है और उसका हैयत का फर्क डेल्टा है, तो इसलिए डेल्टा बराबर आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। अब हम ये कीमत उठाकर यहां रख सकते हैं, अगर मैं वो कीमत यहां ला के रख दूं तो एक इक्वेशन मुझे जो मिल जाएगी वो ये मिलेगी, y इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस, इसकी जगह पर मैं ले सकता हूं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ओके। अब थोड़ा सा हम और इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, मुझे यकीन है आपको यहां तक ध्यान में आ गया होगा, और अगर डिफिकल्टी हो तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। आप देखो हमने तमाम जरूरत के लिए इर्तियाश का हटाव का यानी इर्तियाश के हटाव का या SHM के हटाव का फॉर्मूला लिए, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, फिर ए बी सी और डी इन स्पेशल नुकतों के लिए हमने फाइ की कीमत 0 ले लिए, फिर हमने पॉइंट पी लिए ऑर्डिनरी पॉइंट जो कि एक्स फासले पर है ओरिजिन से और जिसका खुद का जो हटाव है वो वाई है, और उसके लिए हमने हैयत का फर्क फर्ज करे डेल्टा। तो इस तरह से पॉइंट पी के वास्ते अगर मैं यहां पर पॉइंट पी के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो ये इक्वेशन आएगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब सवाल है कि डेल्टा जो है यानी हैयत का जो फर्क है जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा जैसा ये मैंने अभी करके बताया था आपको, डेल्टा की जो कीमत है वो आ जाएगी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ओके। अब यहां पर मैं ये ओमेगा को भी हटा सकता हूं, आपको पता है कि ओमेगा की जो कीमत है वो होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो अगर हम यहां पर ओमेगा की कीमत अगर इस्तेमाल करें तो आप लोगों को जो मसावात यहां पर मिलेगी वो मसावात मिलेगी y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ओके। अब थोड़ा सा आप देखो इस इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट में आपको दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो इन दोनों में से आप 2 पाई को कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने 2 पाई को कॉमन निकाला तो ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। आप याद रखो ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये प्रोग्रेसिव वेव की जनरल इक्वेशन है, ओके। और इस जनरल इक्वेशन के अंदर अगर हम इस पे गौर करें तो इसके अंदर हमको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इस मसावात के अंदर स्मॉल टी जो है
वो एक मुतगैर है, वो एक वेरिएबल है। ये जो एक्स है ये भी एक मुतगैर है, ये भी बदलने वाली, ये भी एक वेरिएबल है, मुतगैर है, बदलने वाली चीज़ है। ए जो है वो एम्पलीट्यूड, वो कांस्टेंट है, जो बदलता नहीं। कैपिटल टी वक्त दौरान है, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट है। लैम्डा जो है ये तूले मौज है, ये भी बदलने वाला नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतनी बड़ी इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स। मतलब क्या हुआ यहां पर कि जब हम किसी प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे, जब हम किसी तरक्की पजीर लहर की बात करेंगे, तो हम उसकी जो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यानी फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स। टी का मतलब है टाइम, वक्त, और एक्स का मतलब है फासला, ओरिजिन के साथ उसका फासला। ओके, समझ में आया सब लोगों को? इतनी चीजें होने के बाद अब हम यहाँ पर इस प्रोग्रेसिव वेव की कुछ खसूसियात जो हैं, हम उन खसूसियात के ताल्लुक से बात करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इतनी चीजें जो है, जो अभी तक हमने किया है, तो ये तमाम चीजें डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो जनरल इक्वेशन हमको मिली वो मिली y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x। ओके, एक और चीज हम इसमें गौर कर सकते हैं, और वो ये है कि हमको यहाँ पर ओमेगा की जो कीमत हमने यूज किया वो थी 2π/T, और यहाँ पर हमने हैयत का जो फर्क लिया था वो था 2π(x)/λ के बराबर। ओके, आइए अब मैं आपको इस इक्वेशन को, मतलब अभी जो इक्वेशन हमको मिली थी उस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक और जनरलाइज तरीके से उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर हम अपना जो अभी का जो नया सिलेबस जो है उस सिलेबस के मुताबिक फिर हम उसको आगे मतलब बढ़ा सकें। ओके, तो देखिए अभी हमारे पास इक्वेशन मिली थी वाई इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट 2π/T इंटू स्मॉल टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान में रखें कि 2π/T ये जो चीज है ये ओमेगा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप याद रखो इसको, अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर की बात करें तो वहां पर हमने ओमेगा को जावियी रफ्तार कहा था, एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन यहां इसके लिए ज्यादा प्रॉपर इसका जो नाम होगा वो होगा जावियाई तवातिर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आप याद रखो ये जो 2π/λ जो है इसको हम लोग के से जाहिर करते हैं, और यहां पर के का मतलब जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, मतलब अशाती मुस्तकिल। ओके, या तरसीली मुस्तकिल। और ये जो तरसीली मुस्तकिल जो है इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता, वो है वेव नंबर। ओके, एक्चुअली ये अशाती मुस्तकिल है, मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम वेव नंबर भी कह सकते हैं। उर्दू में अगर इसके लिए बोला जाए तो इसके लिए आ जाएगा नाम मौजी अदद। तो आप लोग यहां पे याद रखें कि मौजी अदद या वेव नंबर को हम 2π/λ कहेंगे, और उसको हम लोग के से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा और के रूप में अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन को अगर बयान करना हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा, हम इसको बहुत आसानी के साथ में ओमेगा और के रूप में जो है वो बयान कर सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर मैं यहां पर ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी जावियाई तवातिर और मौजी अदद यानी वेव नंबर, इनके रूप में अगर मैं इस इक्वेशन को बयान करने की कोशिश करूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, यहां पर के का मतलब है, मैं उसको आपकी याद दहानी के लिए यहां लिख देता हूं, के हम लोगों ने लिया है 2π/λ की जगह पर। ठीक है, ओके, अब हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोग एक जनरल चीज पहले समझ लो। आप लोग देखो हमारी ये जो इक्वेशन है, ये हमारी ये जो वेव है, ये जो लहर है प्रोग्रेसिव वेव, ये तरक्की पजीर लहर यहां से स्टार्ट हुई और इधर गई। ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है,
मतलब एक्स महावर की पॉजिटिव सिम्ट में अगर कोई लहर जाती है तो उसकी मसावात ये होगी। लेकिन आप ऐसा इमेजिन करो कि ये सोर्स है और वो लहर इधर चली गई, मतलब एक्स महावर के अपोजिट, एक्स महावर के निगेटिव डायरेक्शन में चले गई। अगर वो एक्स महावर के निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे ये एक्स को निगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर मैंने यहां पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स लिया तो वो माइनस बाहर आकर ये माइनस के साथ माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये भी एक आप जनरल तरीके से याद रखो कि अगर कोई लहर, कोई तरक्की पजीर लहर जो है प्रोग्रेसिव वेव, अगर वो एक्स महवर के मनफी सिमत में जाती है तो उसकी मसावत होगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर वो पॉजिटिव सिमत में जा रही है तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप याद रखो जिसमें माइनस साइन है वो पॉजिटिव एक्साइलेशन के लिए है, और जिस इक्वेशन में पॉजिटिव है वो निगेटिव एक्साइलेशन के लिए है। तो ये थोड़ी सी बारीकी को आप ध्यान में रखो। ओके, अब मैं यहां पर कुछ और चीजें करने की कोशिश करूंगा। ओके, आप एक और चीज पे गौर करो। अभी हमने देखा था कि के जो है मौजी अदद है या प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और उसकी कीमत हमने 2π/λ ली हुई है। ओके, अब हम एक नंबर पे हम गौर करते हैं, और वो नंबर है ओमेगा अपॉन के। हम थोड़ा सा जस्ट देखते हैं, एक समझ लो मेंटल एक्सरसाइज बोल देते हैं इसको, कि ओमेगा अपॉन के क्या होगा। ओके, चलो ओमेगा की अगर कीमत निकालें तो वो आ जाएगा 2π/T अपॉन, और के की कीमत जैसा आप देख रहे हो वो है 2π/λ। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन के ये जो फैक्टर है, ये जो तनासुब है, मैंने इसकी जगह पर इनकी कीमतें ला के रख दिया हूं। अब जैसा आप देख रहे हो कि यहां पर ये एक नंबर, ये जो रेशो है ये ऊपर है और ये वाला रेशो नीचे है, तो जाहिर है अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये वाला रेशो हल करते टाइम पर, मल्टीप्लाई करते टाइम पर ऊपर हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2π/T इंटू ये वाला रेशो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा λ/2π। ओके, और अब आप गौर करो ये 2π से 2π कट जाता, और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो चीज मुझे मिलेगी वो मिलेगी 1/T इंटू लैमडा। लेकिन 1/T क्या है? 1/T अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे ये तवातिर है, इसका मतलब ये आ जाएगा n इंटू लैमडा। ओके, लेकिन n इंटू लैमडा क्या है? n इंटू लैमडा जो फॉर्मूला है वो किस चीज का फॉर्मूला था? वो था लहरी रफ्तार का, हमने अभी शुरू में इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखा था। इसका मतलब n इंटू लैमडा की मतलब होता है लहरी रफ्तार v। तो क्या चीज हमको मिली? एक बहुत ही मजेदार चीज यहां पर आ गई, और वो मजेदार चीज क्या मिली हमको कि ओमेगा अपॉन के ये जो मैंने नंबर दिया था ये हमेशा वी होता है, मतलब लहर की जो रफ्तार है वो हमेशा वी जो है, लहरी रफ्तार वी जो है वो हमेशा काय के बराबर रहेगी? ओमेगा अपॉन के बराबर। ओमेगा जाविया रफ्तार या जाविया तवातिर, और के का मतलब है अशाती मुस्तकिल यानी प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या फिर दूसरा जो नाम हमारे कोर्स की बुक के हिसाब से जो इस्तेमाल हुआ है वो है मौजी अदद या वेव नंबर। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा जो मेंटल एक्सरसाइज अभी हमने किए इसके मुनासिबत से यहां पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, और वो फॉर्मूला क्या होगा? वी इज इक्वल टू यानी मौजी रफ्तार या वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो है इसको आप याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस पर कोई एमसीक्यू पूछ ले या कोई छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओमेगा और के मसावात में दिए जाएंगे और उस पर से आपको पूछा जाएगा कि बताओ रफ्तार क्या होती है। चलो मैं एक होमवर्क के तौर पर आपसे पूछ लेता हूँ। ओके, मान लो कि एक प्रोग्रेसिव वेव जो है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू टेन साइन टेन टी माइनस 5x एस आई यूनिट। ओके, मतलब सारी तमाम चीजें जो है मुझे एस आई यूनिट में लेना है। तो आपको बताना है कि इस लहर की रफ्तार क्या होगी, v क्या होगी। ओके, और ये v आपको कैलकुलेट कहां से करना है? आपको ओमेगा पर से और के पर से कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये जस्ट एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं आज के इस लेक्चर के एंड में। इसका जो जवाब है वो आप एक कागज पर हल करके इसको पूरा, मतलब इस इक्वेशन को आप एक कागज पे हल करके उसकी जो फोटो है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके इसका जवाब दे सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, मतलब कमेंट में जाकर भी आप अपना जवाब जो है वो दर्ज करा सकते हो। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब मैं समराइज करने के लिए आखिर में प्रोग्रेसिव वेव या मौजी जो तरक्की पजीर जो मौज होती है उसकी मैं कुछ खसूसियात जो है वो आपको रिकॉल कर देता हूँ। आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ जो है वो नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब कोई तरक्की पजीर, जब भी कोई लहर तैयार होती है किसी मीडियम के अंदर, तो उसमें सिर्फ तवानाई जो है वो आगे बढ़ती है। ओके, सिर्फ तवानाई आगे बढ़ती है, मादा आगे नहीं चला जाता। ये जो पॉइंट ये है यही रहेगा, पॉइंट भी जहाँ है वहीं रहेगा। ओके, सिर्फ अपनी जगह पे रह के ये ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन तवानाई को आगे बढ़ाते जाएगा। तो पहली खासियत जो है वो ये है कि लहरी हरकत के दौरान सिर्फ तवानाई आगे बढ़ती है, मादा आगे नहीं बढ़ता, मादा अपनी जगह पर कायम रहता है। ओके, दूसरी जो चीज़ हमको यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि लहरी हरकत के दौरान जितने भी जर्रात हैं, ओके, जितने भी जर्रात हैं, उन तमाम जर्रात का हैता एक जैसा होता है। सबका हैता यानी कांस्टेंट हैता रहेगा, किसी का हैता जो है वो चेंज नहीं होगा। तो सबका हैता जो है वो एक जैसा होता है, सबका वक्ते दौरान एक जैसा होता है, सबकी तातीर एक जैसी होती है। ओके, सबका तूले मौज भी एक जैसा, यानी उस वेव का अगर हम बात करें तो वेव के लिए तूले मौज भी उसका कांस्टेंट होता है, तूले मौज चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये इसकी सेकंड खासियत हो गई। इसी तरीके से जब हम फेस की बात करेंगे, हैयत की बात करेंगे, तो हर जर्रे की हैयत बदली हुई होती है, क्योंकि हमने शुरू में बात किए थे कि हर अगला जर्रा जो है वो पीछे वाले जर्रे से पीछे होता है हरकत के मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि हर अल्टरनेट जर्रात की, हर आजू बाजू वाले जर्रात की हैयत मुख्तलिफ होती है। तो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाएगी। ओके, इसके बाद एक मजेदार बात ये भी है कि लहरी हरकत के दौरान कोई भी जर्रा रुका हुआ नहीं रहता, तमाम जर्रात वाइब्रेट करते हैं, तमाम जर्रात इर्द्याशी हरकत करते हैं, कोई भी जर्रा जो है वो रुकी हुई हालत में या जीरो इर्त्याश वाली हालत में नहीं होता। इवन इस फिगर के अंदर जो नुक्ता ए बी सी और डी जो आपको नजर आ रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि इन लोगों का जो अभी ये लोग औसत मकाम पे हमको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता आप में से किसी के जहन में आ सकता है कि भाई इनका इर्त्याश तो जीरो है। तो बिल्कुल नहीं है, इनका इर्त्याश जीरो नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब ये लहर आगे बढ़ेगी तो ये जरात भी अपने वाइब्रेशन में चेंज हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब किसी भी जर्रे का वाइब्रेशन जो है वो जीरो नहीं होता है। इसी तरह से एक और चीज है कि ये तमाम जर्रात ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जर्रात की रफ्तार की अगर हम बात करें, यहां पर आप याद रखो हमने लहरी रफ्तार की बात तो की डिटेल में, बल्कि उसके अलग अलग फॉर्मूले भी बनाए। जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हमने इत्तेफाक से बना लिए वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, मतलब ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो तनासुब है वो भी हमको वी के बराबर मिला। तो ये तो लहरी रफ्तार हो गई, यहाँ पर एक रफ्तार और होती है और वो रफ्तार है जर्रात की रफ्तार। जर्रात जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब उनकी भी कोई रफ्तार होगी। तो जर्रात की जो रफ्तार है वो एसएचएम वाली रफ्तार होगी, और जाहिर है एसएचएम वाली जो रफ्तार होती है, जाहिर है उसका जो फॉर्मूला होगा, अगर मैं यहाँ पे जर्रात की जो रफ्तार है उसको एक अलग अलामत अगर मैं दे देता हूँ, मान लो मैं उसका नाम VP रख देता हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी, तो मुझे उसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहां पर याद रखो एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे वाई महवर के अंदर जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूले के जरिए हम जर्रात की रफ्तार भी निकाल सकते हैं। और इससे एक और चीज समझ में आती कि जर्रात की जो रफ्तार है वो दो किस्म की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, इसी तरह से जर्रात की रफ्तार के बारे में और एक चीज पे हम गौर कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई जरा यहाँ है औसत मकाम पर है, तो यहाँ पर उसकी जो रफ्तार है वो मैक्सिमम होगी, और जब वो यहाँ होगा इस जगह पर होगा तो यहाँ पर उसकी रफ्तार
मिनिमम होगी यानी जीरो होगी। फिर जब वो पलट कर नीचे आएगा तो नीचे भी यहां पर उतने फासले के ऊपर, जब वो इस जगह पर पहुंचेगा तो यहां पर उसकी रफ्तार फिर से जीरो हो जाएगी, लेकिन जब वो औसत मकाम को क्रॉस करेगा उस वक्त उसकी रफ्तार आजम होती है। तो इस तरीके से आपको ये भी एक लहरी हरकत की ये भी एक खासियत आपको ध्यान में रखना है कि लहरी हरकत के दौरान वास्ते के तमाम जर्रात SHM करते हैं, और SHM के दौरान उनकी जो रफ्तार है वो औसत मकाम पर आजम होती है और इंतहाई मकाम पर सिफर होती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जर्रात की इर्तियाश की, मतलब सिमत की, तो आप लोग देखो कि अगर कोई जर्रा, अगर वास्ते के जरात ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं और लहर ऐसे जाती है तो हम उसको अर्जी लहर कहेंगे। अगर जरात आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं और उससे मुतवाजी लहर आगे बढ़ती है हम उसको तूली लहर कहेंगे। तो इस तरीके से मैकेनिकल वेव जो है, मैकेनिकी जो वेव होती है या तरक्की पजीर जो वेव होती है वो दो किस्म की होती है, अर्जी लहर और तूली लहर। मुझे यकीन है कि ये तमाम बातें जो है ये आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको तूली मतलब इस लहरी हरकत का या प्रोग्रेसिव वेव का, तरक्की पजीर लहर का जो जनरल फॉर्मूला आपको बताया वो फॉर्मूला आप लोग याद रखो, उसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, मतलब वो वक्त और फासला यानी एक्स, टाइम एंड स्पेस, इसको टाइम एंड स्पेस कहा जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेसिव वेव जो है वो टाइम एंड स्पेस में पीरियाडिक होती है, मतलब ये कि वो वक्त और फासले इन दो लोगों के अंदर उसका तफाउल होता है। ओके, और अगर इसको पूरी एग्जैक्ट इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर ओमेगा का मतलब जाविया तआतीर है और के का मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट या मौजी अदद यानी वेव नंबर है। मुझे यकीन है कि ये तमाम बातें आपको ध्यान में आई होगी, समझ में आई होगी। इन सबको आप नोट कीजिए और अपने पास वो नोट्स बना के रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको डिटेल्ड नोट्स जो हैं इस चैप्टर के वो अपने ग्रुप में जो है वो मैं आपको फराहम कर दूंगा। ओके, स्टडी करते रहिए, और जो आज मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को आप लोग आज ही करने की कोशिश कीजिए, और मुझे या तो व्हाट्सएप नंबर पर उसकी इमेज सेंड कीजिए आपका नाम लिखकर उसको हल करके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर भी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।